उनको हम बोलते हैं एडजेक्टिव फॉर एग्जाम्पल इफ आई से ब्यूटिफुल गर्ल सो यहाँ पर ब्यूटिफुल क्या हो गया गर्ल की क्वालिटी दिखा रहा है इसलिए ये एडजेक्टिव है सो so, देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स रिलेटेड टू एडजेक्टिव जिसमें फर्स्ट रूल है एनी वर्ड आई ओ आर ई आर टेक्स दैन बट सम समर्ड लाइक सीनियर जूनियर सुपीरियर इंफीरियर प्रायर प्रेफर रेफर एल्डर टेक्स टू इसका मतलब क्या हुआ जो भी वर्ड्स आईओ आर और ई ER आर से एंड होते हैं वो हमेशा ध्यान लेते हैं लेकिन ये सारे जो वर्ड्स हैं, जैसे सीनियर हो गया जूनियर हो गया सुपीरियर हो गया इंफीरियर हो गया प्रायर हो गया प्रिफर हो गया रिफर एल्डर इनके साथ आपको टू लगाना है ठीक है तो एग्जाम्पल देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या गेविन रीडिंग अ बाइक गाइज एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन तो ये ही क्रिएट हो गया कि यहाँ पर रीडिंग नहीं बल्कि क्या होना चाहिए राइडिंग होना चाहिए सो so, एक एरर डिटेक्शन तो आप यही बना सकते इसका क्वेश्चन यहाँ पर आप अंडरलाइन कर सकते इस वर्ड को चार ऑप्शन दे सकते हो राइडिंग ड्राइविंग नो इम्प्रूवमेंट और एक कोई और ऑप्शन अभी ही प्रिफर्स गिवन था सो so, प्रिफर्स जब दिया हुआ है तो दान तो लगाना ही नहीं है इसलिए यहाँ पर टू का यूज हुआ है जो बिल्कुल करेक्ट है He prefers riding a bike rather than driving a car. ये sentence wrong हो जाएगा। So जैसे आप बोलते हो ना he is junior than me, so he is junior than me नहीं होता। वो क्या हो जाएगा? He is junior to me हो जाएगा। Next आता है second वाला। Some words in itself are complete in a meaning and do not have any comparative or सुपर फॉर्म लाइक परफेक्ट राउंड यूनिक यूनिवर्सल एक्सट्रीम कम्प्लीट एम टी ये जो कुछ वर्ड्स है ना जैसे परफेक्ट हो गया राउंड हो गया यूनिक हो गया यूनिवर्सल हो गया एक्सट्रीम हो गया ये अपने आप में ही कंप्लीट है इसके साथ आपको मोर मोस्ट या फिर इसके साथ ई ER, आर या फिर ई एस टी लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये खुद में ही कंप्लीट है अगर मैं आपसे बोलू दिस इज द मोस्ट यूनिक थिंग इन माई हाउस सो मोस्ट यूनिक की जरूरत ही नहीं थी मोस्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यूनिक जो है वो अपने आप में ही कंप्लीट है सो so, उसके आगे ना मोर लगेगा ना मोस्ट लगेगा कुछ भी नहीं लगेगा लाइक से नो, दिस इज़ द मोस्ट मोस्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सो होगा ही नहीं वो अपने आप में ही एक्सीलेंट ही चलेगा नेक्स्ट रूल आता है नेवर यूज डबल कंपेरेटिव और डबल सुपरलेटिव सो कंपेरेटिव का मतलब होता है जब आप या तो ईयर ER लगाते हो या फिर आप मोर लगाते हो और सुपरलेटिव का मतलब होता है या तो आप ई एस टी एस टी या फिर मोस्ट लगा देते हो सो so, मैं आपसे अगर सपोज बोलू दिस इज द मोस्ट बेस्ट क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड कुछ ऐसा गिवन है सो so, जब बेस्ट ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री में हो गया गुड बेटर एंड बेस्ट तो यहाँ मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं थी ये yeah, सपोज मैं आपसे बोलूं ही इज मोर देन हिज ब्रदर सो ऑलरेडी कंपेरेटिव डिग्री में दिया है तो मोर लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है सो so, एक डिग्री के साथ दूसरी डिग्री का यूज नहीं होगा नेक्स्ट आगे देखते हैं अब आगे है, compared, अगर एक की दो क्वालिटी दी है और वो कंपेयर हो रही है मतलब उनके बीच में दैन आ रहा है इट शुड बी एक्सप्रेस बाय यूजिंग मोर एंड नॉट ईआर सो उसमें आपको मोर लगाने की जरूरत है ना कि ईआर ER लगाना है राम इज स्ट्रॉगर देन इंटेलिजेंट राम एक पर्सन था और उसकी दो क्वालिटी क्या है स्ट्रांग और इंटेलिजेंट और दोनों के बीच में कंपेरिजन हो रहा है so, सो जब दोनों के बीच में कंपेरिजन हो रहा है तो आपने देन लगाया बिल्कुल सही है बट यहाँ पर स्ट्रांगर ना होकर मोर स्ट्रांग हो जाएगा नेक्स्ट रूल क्वालिटीज ऑफ अ थिंग आर बींग एक्सप्रेस्ड इट शुड ऑलवेज बी इन द सेम डिग्री अब ये क्या है एक पर्सन है उसकी दो क्वालिटी सिर्फ दिखाई जा रही हैं उनके बीच में कंपैरिजन नहीं हो रहा है उनके बीच में कंपैरिजन नहीं हो रहा है तो फिर आप क्या करोगे वो सेम डिग्रीज में चलेंगी मतलब अगर एक डिग्री सुपरलेटिव में होगी तो दूसरी वाली भी सुपरलेटिव में ही जाएगी अगर एक कंपेरेटिव में होगी तो दूसरी वाली भी कंपेरेटिव में ही जाएगी फॉर एग्जाम्पल दिस इज दीप पेन सो पेन के बारे में बताया है कि बेस्ट भी है और चीप भी है इन द मार्केट यहाँ पर देखो एंड का यूज हुआ है than का यूज नहीं हुआ अगर आप यहाँ पर दैन का यूज कर देते और यहाँ पर लिखा होता मोर बेटर क्योंकि गुड की डिग्री क्या हो जाती बेस्ट गुड बेटर बेस्ट मोर बेटर एंड चीपर So, यहाँ पर मोर लगाने की जरूरत बिल्कुल थी बट बेटर के प्लेस पर वो गुड हो जाता so, अगर एक पर्सन की दो क्वालिटीज दिखाई जा रही है और वो कंपेयर हो रही है से तो तो आपको ये वाला रूल फॉलो करना है कि ई आर ना लगाकर मोर का यूज करना है लेकिन अगर एक पर्सन की दो क्वालिटीज दिखाई जा रही है चाहे वो सुपरलेटिव में हो चाहे वो कंपेरेटिव में हो तो आपको वहां पर ई और ये वाला रूल फॉलो नहीं करना है बस एक रूल चलाना है कि दोनों चीज सेम डिग्री में होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल गाइज इससे भी आपको एक क्वेश्चन बनता हुआ दिख रहा है अगर यही क्वेश्चन होता राम इज स्ट्रॉगर एंड इंटेलिजेंट तो क्या ये करेक्ट होता यहाँ पर एंड आ गया मतलब दो डिग्रीज को सिर्फ दिखाया गया है कंपेयर नहीं करा राम इज ंगर एंड मोर इंटेलिजेंट हो जाता क्योंकि जब कोई भी चीज एंड से ज्वाइन हो रही है तो आगे एंड पीछे वाला सेम होना चाहिए स्ट्रॉगर कंपेरेटिव दिया है तो यहाँ पर भी मोर इंटेलिजेंट होना चाहिए सो so, ये थे हमारे दो रूल जो थोड़े से कंफ्यूजिंग थे लेकिन आपको बहुत ध्यान से इनको करना है गाइस तो जैसा कि आप जानते हो मेरे इस लेक्चर के बाद आपका काम शुरू होता है वो है इस टॉपिक को रिवाइज करने का और इस टॉपिक को प्रैक्टिस करने का और इस प्रैक्टिस को आसान बनाने के लिए सूक्ष्म इस गेम में पार्टिसिपेट करके आप अपनी डेली सेल्फ स्टडीज कर सकते हो इस गेम की सबसे खास बात यह है कि ये एक सेल्फ लर्निंग गेम है जहां आपको एक सेल्फ मेड क्विज क्वेश्चन एक आंसर और एक क्विज प्ले करना होता है जो आपकी एवरी डे लर्निंग डोज को पूरा कर देती है और खेली खेल में आपकी डेली सेल्फ स्टडीज भी करा देती है सो so, आइए हम भी वही करते हैं हम इस टॉपिक के बेस पर एक क्वेश्चन क्रिएट करते हैं और एक क्विज क्वेश्चन को पोस्ट करते हैं सो so, गाइज ये दिख रहा होगा आपको सूक्ष्म का प्लेटफॉर्म यहां पर आपको दिख रहा होगा एक क्विज का ऑप्शन जब मैंने क्विज के ऑप्शन पर क्लिक करा तो यहाँ पोस्ट क्विज कर एक ऑप्शन ओपन होगा जब आप उस पोस्ट क्विज पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपको प्लेटफॉर्म शो होगा सो so, मैंने एक क्वेश्चन ले लिया ऑल माई फ्रेंड्स अब एक चीज देखो क्लेवरेस्ट सो क्लेवरेस्ट तो ऑलरेडी एक डिग्री है क्लेवर क्लेवर एंड क्लेवरेस्ट सो मोस्ट लगाने की क्या जरूरत थी मोस्ट तो यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा सो so, ये तो हो गया हमने फाइंड आउट कर लिया एरर के इस पार्ट में मैंने इसके चार ऑप्शंस बना दिए ए बी सी एंड डी और आपने यहां देखा होगा कि सेंटेंस को किस तरीके से हमने ब्रेक कर लिया है ठीक है अब आपको ऑप्शन कौन सा रॉन्ग लग रहा है कि यहां पर मोस्ट नहीं होना चाहिए मतलब आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर वन सो ऑप्शन नंबर वन को हम यहाँ पर चूज कर लेंगे जब आप यहाँ ऑप्शन नंबर वन पर क्लिक कर लोगे तो आपको अपने क्विज को सबमिट करना होगा बट सबमिट करने से पहले इसमें टैग्स का यूज करना जरूरी है सो so मैंने क्लिक करा है रिसेंटली यूज आप जब रिसेंटली यूज टैग्स पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से कुछ टैग्स शो करेंगे जो ऑलरेडी आप यूज कर चुके होंगे और यहाँ पर वो टैग्स ऐड हो जाएंगे आफ्टर एडिंग द टैग्स आपको क्या करना है आपके आपको अपने क्विज को सबमिट करना है सो so हमारा आंसर कौन सा था ए वाला और आपने अपने क्विज को सबमिट कर दिया जब आप अपने क्विज को सबमिट कर दोगे तो ये सूक्ष्म के प्लेटफॉर्म पर इस तरीके से शो करेगा और साथ ही साथ जब आप बियॉन्ड नोइंग में पॉइंट्स टेबल पर जाओगे सो तो आप देखोगे कि एक क्विज क्वेश्चन पोस्ट करने के आपको 10 पॉइंट्स भी मिल चुके हैं जो आपकी पॉइंट्स टेबल में ऐड हो चुके हैं अब इन पॉइंट्स टेबल का एडवांटेज क्या है सो so, उस पॉइंट्स टेबल के बेस पर हम अपने रिजल्ट अनाउंस करते हैं वो होते हैं डेली रिजल्ट वीकली रिजल्ट एंड मंथली रिजल्ट सो अभी रिसेंटली एक मंथली रिजल्ट हमने अनाउंस करा था क्योंकि मंथ एंड हो गया सितंबर और मंथली रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे फर्स्ट अक्टूबर को जिसमें आप देख रहे होंगे कि टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने टू सिक्सटी टू सो जिसमें से टॉप थ्री स्कोरर आज हम देखते हैं टॉप थ्री स्कोरर में फर्स्ट आपको दिखनी होगी रजनी सेकंड है आशीष मौर्या थर्ड है नेहा शुक्ला रजनी जो है उनके पॉइंट जो थे दैट इज सेवेंटी सिक्स टू टू जीरो और जिनको रिवॉर्ड मिला है ऑफ रुपीज फोर थाउजेंड नेक्स्ट है तैयारी कर रहे हैं और उनके जो पॉइंट है दैट इज सेवेंटी फाइव पॉइंट टू फोर टू और मिला है ऑफ रुपीज टू थाउजेंड थर्ड जो थी दैट इज नेहा शुक्ला जो वन डे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही है और उनके पॉइंट्स है सेवेंटी थ्री पॉइंट जीरो नाइन थ्री और उनको रिवॉर्ड मिला है ऑफ रूपीज वन थ्री 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 मतलब थर्टीन हंड्रेड थर्टी थ्री रूपीज सो इस तरीके से जो आपके पॉइंट टेबल में जो पॉइंट कलेक्ट हो रहे हैं वो इस तरीके से आपके लिए एडवांटेजियस है सो गाइज वी विल एंड अ टॉपिक हेयर टू गेट माई नोट्स एंड क्वेश्चन फॉलो मी ऑन सूक्ष्म यूजिंग माई रेफरल कोड एस एच आई वी टू जीरो एट टू फोर To get maximum discounts, the link is also given in the description below. Thank you so much, guys.